दोनों त्रेता झील और विष्णु दैत्य सूदन के रूप में स्कंद और पद्म पुराण में। महाराष्ट्र बुलढाणा जिले में दैत्य सूदन मंदिर है। लोणार शहर के केंद्र में दैत्य सूदन के मंदिर को छोड़कर लोणार क्रेटर झील के चारों ओर कई मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश आज खंडर में हैं। विशाल राक्षस लोणासुर पर विष्णु की जीत के सम्मान में मंदिर का निर्माण किया गया था। यह प्रारंभिक हिंदू वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्रेटर के अंदर पाए जाने वाले अन्य मंदिर विष्णु मंदिर, वाघ महादेव, मोरा महादेव, मुंगल्याचा मंदिर और देवी कमलजा मंदिर है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि लोणासुर नाम का एक राक्षस ढीठ हो गया और आसपास के देशों को तबाह कर दिया। उसने देवताओं को भी चुनौती दी। लोगों ने भगवान विष्णु से उसे नष्ट करने की प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने दैत्य सूदन नामक सुंदर युवक का रूप धारण किया और दानव की बहनों से दानव के छिपने के स्थान के बारे में पता किया। उसने मांद की ढक्कन हटा दिया और दानव को नष्ट कर दिया। दैत्य सूदन मंदिर हेमाडपंथी शैली का सबसे अच्छा उदाहरण चालुक्य वंश का एक विष्णु मंदिर है, जिसने छठी और बारहवीं शताब्दी के बीच मध्य और दक्षिणी भारत पर शासन किया था। मंदिर के पीछे मुख्य स्थान में सूर्य की खड़ी छवि से यह अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर मूल रूप से सूर्य देव को समर्पित था। हालांकि वर्तमान स्वरूप में दैत्य सूदन अवतार में भगवान विष्णु का वैष्णव मंदिर है। मंदिर 105 फीट लंबा और 84.5 फीट चौड़ा है। यह एक वृक्ष कक्ष मंदिर है। सबसे भीतरी गर्भगृह है, जहाँ लवणासुर लवण अर्थात नमक और असुर अर्थात दानव के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति है। मूल मूर्ति के गायब होने के बाद आज की मूर्ति नागपुर के भोसले शासकों द्वारा बनाई गई थी। दूसरे कक्षा को अंतराल कहा जाता है, जहां व्यक्तिगत पूजा की जाती है। इस ब्लॉक की छत पर पौराणिक कथाओं की सुंदर लालसा देखी जा सकती है। भगवान कृष्ण द्वारा लवणासुर का वध और लोणार के धर की उपस्थिति, कंस और कृष्ण की कहानी, नरसिंह और हिरण्यकश्यप की कहानी और अंत में रास क्रीड़ा है। सबसे बाहरी कक्ष को सभा मंडप कहा जाता है, जो समूह प्रसाद और प्रदर्शन के लिए होता है। यह भाग और प्रवेश द्वार समग्र रूप से मंदिर की शैली और निर्माण तत्वों से मेल नहीं खाता। हो सकता है कि ईंट का काम बाद में क्षतिग्रस्त या अधूरे मंदिर में जोड़ा गया हो, जिसे 10वीं शताब्दी के बाद के विभिन्न आक्रमणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर के पीछे मुख्य स्थान पर सूर्य देवता की एक छवि है, जो इस अटकल को जन्म देती है कि यह उन्हें समर्पित किया गया होगा। दक्षिण आला में चामुंडा की एक छवि है। मंदिर के बाई ओर यानी उत्तर में नरसिंह है। ये सभी तीन अपने आप में छोटे मंदिरों की तरह बने हैं, जिनमें विस्तृत स्तंभ, आधार और अलंकरण है। मंदिर पर अलग अलग सजावट के साथ कई लकीरें हैं। छवियों के साथ साथ कलात्मक महत्व भी है। कई चित्र पुराणों से देवताओं या घटनाओं को दर्शाते हैं। अधिक जानकारी के लिए विवरण में लिंक पर क्लिक करें।